video is going to be something different because it's my first face video and I'm really excited for this one and a little bit nervous too. So moving to our today's video, today I'm going to tell you some basic like sketching, how can sketch using graphite pencils, and also going to tell you some basic tips or ideas about sketching. So do watch this video till end and also like it and subscribe my channel for more such kind of creative ideas. So without wasting it, let's make it out. तो मैंने स्केच की आउटलाइन ऑलरेडी रेडी कर ली है जो मैंने ग्रिड की यूज से की. सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू मेक ग्रिड एंड यूज दैम सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. ये स्केच मैंने बनाया है मैकेनिकल पेंसिल से 0.5 की. सो फर्स्टली यू हैव टू अप्लाई लाइट शेड्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम HP. अगर आप लोग डायरेक्टली डार्क शेड अप्लाई करेंगे तो वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा एंड आपका स्केच काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखेगा. सो ट्राई टू अप्लाई लाइटर शेड देन यू कैन फर्दर मूव ऑन टू योर डार्क शेड. फिर आपको क्या करना है, जो आपका रेफरेंस इमेज है उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है. सारा खेल सिर्फ रेफरेंस का होता है और आप उसे कितनी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं. और रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कहाँ पे डार्क शेड है, कहाँ पे डेप्थ दी गई है और कहाँ पे लाइट शेड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बाकी के शेड देने हैं. और ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ आपको तभी करना है जब आप किसी भी लाइक स्मॉल पीस पे स्केचिंग कर रहे हैं. अगर लाइक आपको पूरे फेस पे और या फिर वो आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो उसके लिए आप कॉटन या टिश्यू पेपर का यूज़ करें, ब्लेंडिंग स्टम्प का नहीं, क्योंकि वरना वो लाइक ब्लेंड नहीं कर पाएंगे और स्केच काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा. और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना है कि आप लोग जो मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करें आउटलाइन के लिए, क्योंकि जो ग्रेड पेंसिल आती हैं वो सिर्फ ब्लेंडिंग के लिए, सॉरी लाइक शेडिंग के लिए यूज़ होती हैं. सो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि आप जो आउटलाइन बनाएं वो मैकेनिकल पेंसिल से बनाएं. अब इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने शेड अप्लाई करने हैं और शेड आप सिर्फ लाइट से डार्क में जाइए, डार्क में लाइट मत आइए, वरना स्केच लाइक ब्लेंड नहीं हो पाएगा इजीली और काफ़ी सारे स्ट्रोक्स वगैरह और इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी. आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट बनाऊँ क्योंकि लाइक अभी इसके हेयर्स एंड काफ़ी ज़्यादा काम रह गया है इसमें. फॉर हेयर्स वी आर गोइंग टू यूज चारकोल बिकॉज ये ग्रेफाइट काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुकी है एंड अगर हम ग्रेफाइट का यूज़ करेंगे हेयर्स के लिए सो लाइक इट विल मिक्स अप. So I will just try to make hairs using charcoal. So let me know in the comment section कि आपको इसका second part चाहिए या नहीं. So now you can enjoy this video and like देखिए कहाँ पे किस तरीके से shade देने हैं. So just enjoy the video. Related to sketching, then like this video and also subscribe my channel for upcoming creativity. We were riding through the woods with our bikes. We got scared when it got darker at night. Cause everyone. Amazing art videos at next level. I'm also